ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो इलेक्शन से जुड़ी हर एक खबर लगातार हम आपको चुनावों से जुड़ी हर एक खबर लगातार एसएमएस इनसाइट पर लगातार बता रहे हैं, हर एक पल पल की अपडेट दे रहे हैं। तो आपको बता दें, मध्य प्रदेश में अब तक 20% वोटिंग हो चुकी है। ग्वालियर की बात करें, इंदौर की बात करें, कटनी की बात करें, होशंगाबाद की बात करें, तो वहाँ पर अब तक 25% मतदान हो चुका है। जबलपुर की बात करें तो यहाँ पर अभी 12% तक मतदान पहुँचा है और लगातार हम आपको ताज़ा अपडेट लगातार दे रहे हैं। जबलपुर के पाटन में 8% मतदान हुआ है, बालाघाट में 20% अभी तक मतदान हुआ है, और आप अगर देखा जाए तो अभी तक मध्य प्रदेश में 20% मतदान हो चुका है। होशंगाबाद की बात करें तो यहाँ पर होशंगाबाद और इंदौर में 25% मतदान हो चुका है। लगातार एसएमएसी इनसाइड आप तक हर खबर पहुंचा रहा है, चुनाव से जुड़ी हर अपडेट एसएमएसी इनसाइड आप तक लगातार पहुंचा रहा है। पल पल की खबर हम आपको दे रहे हैं, पल पल की खबर आप एसएमएसी इनसाइड पर देख सकते हैं। चुनाव से जुड़ी हर एक बड़ी खबर एसएमएसी इनसाइड आपको बार बार दिखा रहा है, बार बार हम आपको एक एक पल पल की अपडेट दे रहे हैं। तो मध्य प्रदेश का महाभारत लगातार जारी है, 230 विधानसभा सीटों पर लड़ाई जारी है। मध्य प्रदेश की ये लड़ाई, मध्य प्रदेश की कुर्सी की ये लड़ाई कि आने वाले समय में कौन यहाँ पर सत्तासीन होगा। दो बड़ी पार्टियाँ कांग्रेस बीजेपी यहाँ पर चुनावी मैदान में है। दोनों को उम्मीद है कि दोनों ही यहाँ पर सत्ता में आएंगी। दोनों ही लगातार दावे करते रहे, स्टार प्रचारकों ने लगातार प्रचार भी किया, मगर अब देखिए आज जनता इन सबका फैसला ईवीएम मशीन में बंद कर देगी। इससे पहले हमने आपको बड़ी खबर दिखाई थी जहाँ पर डिंडौरी के शैपुरा विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस समर्थक की गाड़ी से 50,000 रुपये भी बरामद किए थे हम लोगों ने। तो वहाँ पता चला था चुनाव अधिकारी ने वहाँ पर ये बरामद किए थे। मुखबिर की सूचना के आधार पर हम लगातार आपको ताज़ा अपडेट दे रहे हैं चुनाव से जुड़ी हर एक खबर की। तो यहाँ पर आपको बता दें, सीटों की बात की जाए तो मालवा और निमाड़ में 66 सीटें हैं जिन पर मतदान हो रहा है, और ग्वालियर चंबल 34 सीटें हैं, बुंदेलखंड में 26 सीटों पर मतदान हो रहा है, मध्य क्षेत्र में 36 सीटें, महाकौशल क्षेत्र में 38 सीटें, विंध्य क्षेत्र में 30 सीटें। तो लगातार पल पल की अपडेट, पल पल की ताजा जानकारी हम आपको लगातार दे रहे हैं। 230 सीटों पर मतदान मध्य प्रदेश में जारी है, जिसमें 227 सीटों पर सुबह 10 बजे से शाम के 5 बजे तक मतदान होना है। उसके बाद 3 सीटें संवेदनशील क्षेत्र है, तो वहां पर 3 सीटें, उनमें सिर्फ 3 बजे तक ही मतदान होगा। लगातार ईवीएम मशीनें खराब होने की भी लगातार जगह जगह से सूचना मिली है, जगह जगह ईवीएम मशीनें खराब पाई गई, मतदान देरी से हुआ, कई जगह मतदाताओं ने मतदान का बहिष्कार किया सरकार के कामकाज की वजह से, क्योंकि सरकार के कामकाज से खुश नहीं थे, इसलिए मतदान का बहिष्कार ही कर दिया कि मतदान ही नहीं डालेंगे। वहीं अगर नेपानगर की बात करें तो वहां अब तक 20% वोटिंग हो गई है। वहां हमारे संवाददाता हमारे साथ सुभाष बंजारी जुड़ रहे हैं। सुभाष, क्या स्थिति है वोटिंग की वहां पर, कैसे चल रहा है मतदान, शांतिपूर्ण है सब कुछ? से मतदान 8 बजे से शुरू हुआ है, काफी शांतिपूर्वक मतदान हुआ है, और यहाँ पे प्रशासन काफी अपनी तैयारी में नजर आया है। जी जी, महिलाएं पुरुष युवा सभी मतदान डालने आ रहे हैं या फिर कुछ लोगों की संख्या दिखाई दे रही है वहाँ पर? जी, अभी तो सभी में मतदान के प्रति काफी रुझान दिखाई दे रहा है, काफी लोग मतदान के लिए घर से निकल चुके हैं। जी, 20% अभी तक के मतदान हो चुका है यार, 10 बजे तक के। जी जी, तो यहाँ पर एक चीज बताएं कि वहाँ पर जो युवा है, युवाओं की संख्या किस प्रकार देखी जा रही है वहाँ पर? जी, अभी तो युवाओं में काफी मतदान के प्रति काफी अच्छा दिखाई दे रहा है, मतलब युवाओं में वहाँ पर। और महिलाएं? जी, महिलाएं तो अभी महिलाओं की संख्या अभी काफी कम दिखाई दे रही है पुरुषों के प्रति। जी चलिए बंजारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमें तमाम ताजा अपडेट देने के लिए। तो यहाँ आपको बता दें कि युवा और महिलाएं इस बार निर्णायक भूमिका निभाएंगी इस चुनाव में। लगातार हम आपको ताजा अपडेट दे रहे हैं मतदान से जुड़ी हर एक खबर की, मध्य प्रदेश की हर एक हलचल, हर एक खबर, हर एक मतदान से जुड़ी हर एक चुनावी खबर की ताज़ा अपडेट हम आपको एसएमएस इनसाइट के दर्शकों को लगातार दे रहे हैं, ताकि कोई भी खबर छूट ना जाए, इसलिए हम लगातार आपको ताज़ा अपडेट चुनाव से जुड़ी हर एक खबर की दे रहे हैं। विधानसभा चुनाव 2013 में लगातार हमारा प्रोग्राम हमने चलाया, लगातार हमने आपको ताज़ा अपडेट दी, लगातार हर
आज मतदान का दिन है और आज मतदान डाला जा रहा है पूरे मध्य प्रदेश में, जिसके चलते हम आपको सारी खबरें, एक एक पल पल की खबर हम आपको ताज़ा अपडेट दे रहे हैं सुबह से अब तक। इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं होशंगाबाद से पीताम्बर जोशी। पीताम्बर, क्या कितने प्रतिशत मतदान हो चुका है अभी होशंगाबाद में? बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा कि जिले की 4 विधानसभा सीटों के 1035 मतदान केंद्रों के लिए वोटिंग शुरू हो गई है और होशंगाबाद की विधानसभा सीट के 228 केंद्रों पर मतदान सुबह 8 बजे से शुरू हो गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है नकुल कि महिलाओं और युवाओं में काफी उत्साह वोटिंग को लेकर, जिसको जो मतदान केंद्र है वहां पर काफी भीड़ युवा और महिलाओं की देखी जा रही है। मतलब महिलाएं जिस तरीके से कयास लगाए जा रहे थे पीताम्बर कि महिलाएं और युवा इस बार एक निर्णायक भूमिका निभाने वाले हैं इन चुनावों में, तो वही देखा जा रहा है वहां पर भी? जी बिल्कुल नकुल, इस चुनाव में सबसे बड़ी बात देखने को यही आ रही है, महिलाएं और युवाओं में काफी उत्साह देखा जा रहा है और हम अलग अलग क्षेत्रों के पोलिंग बूथों पे गए हैं, वहां पर महिलाओं और युवाओं की संख्या काफी मात्रा में देखी गई है और अभी जो 10 बजे की ताजा स्थिति है वो 25% मतदान हो चुका है। सुरक्षा के इंतजाम कैसे है वहाँ पर? सुरक्षा के लिए जिले में कुल 338 संवेदनशील मतदान केंद्र हैं। होशंगाबाद की 64, सिवनी मालवा 127, सुहागपुर 73 तथा पिपरिया में 74 मतदान केंद्र हैं। चलिए पीताम्बर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमें तमाम ताज़ा अपडेट देने के लिए। तो पीताम्बर बता रहे हैं कि जिस तरीके से वहाँ पर महिलाएं और युवा बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं मतदान में, तो एक निर्णायक भूमिका निभाएंगे जिस तरीके से कयास लगाए जा रहे थे। तो अब हमारे साथ एक और संवाददाता हमारे जबलपुर से जुड़ गए हैं, विशेष संवाददाता विनोद यादव। विनोद, क्या स्थिति है जबलपुर में, कैसा मतदान चल रहा है? जबलपुर में अभी 10% मतदान हो चुका है। खासतौर से जबलपुर पश्चिम विधानसभा में जिस तरह की भीड़ बूथों में देखी जा रही है वह तो आश्चर्यजनक है। यहाँ के हर बूथ में आशातीत भीड़ दिख रही है, बहुत लंबी लंबी कतार लगी है, लोग वोट डालने आ रहे हैं। यहाँ तो देखने से लगता है कि मतदान के यहाँ पर रिकॉर्ड टूट जाएंगे, बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई है पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में। जिस तरीके से कयास लगाए जा रहे थे कि क्योंकि जो पहले चुनाव हुए हैं 2008 में 2003 में हुए हैं, तो उससे प्रतिशत थोड़ा बढ़ने वाला है इस बार, तो शायद वही होने वाला है इस बार। हाँ, इस बार मतदाताओं में ज्यादा रुचि, ज्यादा रुझान, ज्यादा उनका लक्ष्य है वोट डालने की और कुछ परिवर्तन की भी आशा लग रही है। तो वो जिस तरह से युवा मतदाता यहाँ पर दिख रहा है, जिस तरह से महिलाएं दिख रही है, खासतौर से बुजुर्ग लोग, बड़ी संख्या में बुजुर्गों की यहाँ देखी जा रही है, आधा आधा घंटे से लोग लाइन में लगे हैं और वोट डालने के लिए तैयार है। यह बड़ा ही आकर्षक है और बड़ा ही रुचिकर लग रहा है। चलिए विनोद, आप ताज़ा अपडेट लेते रहिए, हम आपसे लगातार संपर्क में बने रहेंगे, लगातार ताज़ा अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। तो इस वक्त हमारे साथ एक और संवाददाता हमारे सिवनी से जुड़ रहे हैं, अब्दुल काबिज। अब्दुल, क्या हालात हैं, कैसा मतदान, कितना प्रतिशत मतदान हुआ है सिवनी में अभी तक? नकुल, मैं बता दूं कि सुबह से ही 7 बजे सिवनी जिले में जहां पे भी हमने पता किया है सभी जगह काफी उत्साह है। सुबह 7 बजे से ही महिला पुरुष और सभी की यहां पर लाइनें लग चुकी थी और शुरुआती दौर में थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी यहां पे जो कर्मचारी लोग लगे हुए मतदान में, क्योंकि थोड़ा स्लो था मतदान, लेकिन अभी शबाब पे पूरा मतदान और लोकतंत्र के सबसे बड़े महायोग में आज सब अपने अपने मतों की आहुति देने यहाँ पे पूरी जनता यहाँ पर मौजूद है। और मैं देख रहा हूँ कि जिस तरह यहाँ पे लाइनें लगी हैं शुरू से, तो लगभग 80% से ज्यादा मतदान होने की संभावना है नकुल। हाँ, मतलब वहाँ पर अब्दुल, वहाँ पर महिलाएं और युवाओं की क्या भूमिका, कितनी महिलाएं, कितने प्रतिशत युवा और कितने महिलाएं आ रही है वहाँ पर वोट डालने के लिए? नकुल, मैं आपको बता दूं कि अभी जो हमारी यहाँ पे एमसीएमसी में बात हुई तो वहाँ पे 10% अभी तक के 10 बजे तक के 10% महिलाओं और पुरुषों दोनों का यहाँ पे मत डल चुके हैं। और जहाँ तक महिला पुरुष दोनों की बात है तो इक्वल चल रहे हैं। और सबसे खास बात यहाँ पे 9 जो मतदाता हैं जो पहली बार मतदान करने आए, उनकी भीड़ यहाँ पर ज्यादा दिख रही है और कहा जा सकता है कि निश्चित तौर पर एक अच्छा मतदान इस बार मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा नकुल। मतलब पिछली बार से ज्यादा प्रतिशत इस बार मतदान होने वाला है जो पिछली बार हुए 2008 और 2003 में? निश्चित तौर पर यहाँ पे जैसे जिस तरीके से उत्साह देखने को मिला, 8 बजे से वोटिंग होने की थी, यहाँ पे पूरी तैयारी सुबह 6 बजे से ही यहाँ पे शुरू हो चुकी थी, लेकिन 7 बजे से, जबकि मालूम था लोगों को कि 8 बजे से मतदान है, सुबह 7 बजे से यहाँ पे महिला पुरुष सभी की लाइनें, यहाँ पे लंबी लंबी कतारें, सैकड़ों लोगों की कतारें देखने को मिल रही है। और शुरुआती दिक्कत जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर कर्मचारियों को हो रही थी, लेकिन अब सभी चीज रूटीन में आ गया है और धड़ल्ले से यहाँ पे मतदान हो रहा है। निश्चित तौर पर इस बार पहले से ज्यादा मतदान होने की संभावना है नकुल। चलिए अब्दुल,
आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमें तमाम ताज़ा अपडेट देने के लिए। तो वहाँ पर सिवनी में भी जिस तरीके से देखा जा रहा है, अब्दुल ने हमें बताया कि वहाँ पर जो मतदान हो रहा है, अच्छी संख्या में मतदान हो रहा है, इस बार मतदान का प्रतिशत बढ़ने की आशंका भी जताई जा रही है। इस वक्त हमारे साथ एक और संवाददाता जुड़ गए, हमारे बालाघाट से हरीश हमारे साथ संवाददाता जुड़े हैं। हरीश बताएं क्या स्थिति है वहाँ पर। सर मैं नकुल जी, मैं यहाँ बता दूं कि पिछले दो घंटे में यहाँ 25% के लगभग मतदान हो चुका है और अच्छा खासा रुझान देखा जा रहा है मतदाताओं। हरीश आप रुकिए जरा, इस वक्त हम सीधे लेकर आपको चल रहे हैं, अभी हम आपसे थोड़ी देर में संपर्क करेंगे। अभी हम सीधे आपको लेकर चलते हैं कैलाश विजय वर्गीय वोट डालने जा रहे हैं, हम कैलाश विजय वर्गीय के पास आपको सीधे ले चलते हैं। अब देख सकते हैं तस्वीरों में कैलाश विजय वर्गीय बीजेपी के मंत्री हैं और ये वोट डालने जा रहे हैं, अपनी पत्नी के साथ वोट डालने जा रहे हैं यहाँ पर। कैलाश विजय वर्गीय एक अच्छे नेता माने जाते हैं बीजेपी के मध्य प्रदेश में, अच्छा वर्चस्व बताया जाता है इनका। अभी कुछ दिनों पहले चुनाव विवादों में भी आ गए थे, चुनाव आयोग को चुनौती दे डाली थी कि दान पुण्य करना नहीं छोड़ूंगा, चुनाव लड़ना छोड़ दूंगा, मगर फिर बाद में चुनाव आयोग से माफ़ी मांगी इन्होंने, विवादों में घिर गए थे। मगर एक अच्छे नेता माने जाते हैं, कद्दावर नेता माने जाते हैं बीजेपी के, बीजेपी को काफ़ी आस है इनसे भी इस बार। तब देखना होगा कि कितने खरे उतरते हैं बीजेपी के आस पर कैलाश विजयवर्गीय। हालांकि बीच में विवादों में घिरे थे, थोड़े बहुत विवादों में घिर गए थे कैलाश विजयवर्गीय, मगर वहां पर हालातों को संभाला विजयवर्गीय ने और चुनाव आयोग से माफी मांगी। तो जा रहे हैं अपनी पत्नी के साथ वोट डालने जा रहे हैं कैलाश विजयवर्गीय यहां पर। तो हमेशा से ही सुर्खियों में रहे हैं कैलाश विजयवर्गीय, वोट डालने जा रहे हैं, अब हमेशा सुर्खियों में रहे हैं बीजेपी के नेता हैं ये, और बीजेपी को उम्मीदें हैं काफ़ी इनसे। अब देखा जाए तो आज ये वोट डालने जा रहे हैं, इनकी श्रीमती जी, इनकी पत्नी भी इनके साथ हैं, वोट डालने जा रहे हैं लोग। तो बीजेपी के एक अच्छे नेता माने जाते हैं, अच्छा इनका वर्चस्व बताया जाता है मध्य प्रदेश में, इंदौर क्षेत्र में। यहाँ पर भी कैलाश विजयवर्गीय इंतजार करेंगे और इंतजार करने के बाद और कैलाश विजयवर्गीय दिखा रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय है, विवादों में भी गिर गए थे अभी कुछ दिनों पहले, चुनाव आयोग को चुनौती दे डाली थी कि चुनाव लड़ना छोड़ दूंगा, दान पुण्य करना नहीं छोड़ूंगा, मगर उसके बाद माफ़ी भी मांगी थी। विवादों में घिरे थे उस वक्त कैलाश विजयवर्गीय, मगर उसके बाद अपने बयान के लिए उन्होंने माफ़ी मांग ली थी। बीजेपी के एक अच्छे नेता है, बीजेपी को आस है काफ़ी इनसे। मतदान केंद्र जो है वो यहीं पर ही है और इस तरह से आज ताज़ा अपडेट हम लगातार आपको दे रहे हैं एसएमबीसी इनसाइट की टीवी स्क्रीन पर, आपको लगातार सुबह से अब तक ताज़ा अपडेट लगातार दे रहे हैं ताकि कोई भी खबर हो आप उससे वंचित ना रह जाए, आपको पल पल की खबर एसएमबीसी इनसाइट लगातार दे रहा है। चुनावों से जुड़ी हर एक खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं लगातार, लगातार आपको ताज़ा अपडेट दे रहे हैं हम हर एक खबर का। हमारे संवाददाता जगह जगह से हमें बता रहे हैं, देखिए सुनाते हैं आपको, आप कैलाश विजयवर्गीय शायद कुछ कह रहे हैं। पता है सर क्या लगता है, क्या रुझान लग रहा है इस बार प्रदेश में किसकी सरकार? लगभग 160 से ऊपर सीट मध्य प्रदेश में आएगी और इंदौर में भी हम अधिकांश सीटों पर आगे। क्या संकल्प लेके आए? भारतीय जनता पार्टी को वोट डालना और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना, यही संकल्प है सर। महू के बारे में आपके में आपका हमेशा एक तरह जीतेंगे, पिछली बार से कितने गुना होंगे ये तो मतदाता तय करेंगे, बाकी यहाँ 2-3-4 कितने भी गुना हो सकते हैं। इस बार निर्वाचन आयोग ने काफी सख्ती दिखाई, इसको लेकर क्या? अभी कोई टिप्पणी नहीं करूंगा बाद में। केला जी, एटीपी के दर्शकों के लिए क्या मतलब किस शुभकामनाएं देना चाहोगे कि ताकि वो वोट देने के लिए बाहर निकले? नहीं, मैं आपके माध्यम से सभी मतदाताओं से कहना चाहूंगा कि वोट मतदान अवश्य करें
और मतदान करने जब वो निकलेंगे तो मुझे विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी को ही डालेंगे, क्योंकि केंद्र में भी कांग्रेस ने बहुत जनता को परेशान किया है और मध्य प्रदेश में शिवराज जी के नेतृत्व में सरकार ने अच्छा काम किया है। तो लोग अगर घर के बाहर निकले तो भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे, हमें विश्वास है और हमारी सरकार। मालवा निवाड़ संभाग को लेकर क्या आपका क्या आकलन है? बताया जा रहा है कि पिछले बार सीटें गेन करेंगे, ऐसे एक आकलन लगाया जा रहा है। हमारी मालवा निवाड़ में पहले से ज्यादा सीटें होंगी। कहना जी कांग्रेस का कहना 130 के आसपास हम भी पहुंच रहे हैं, ऐसा आज सुबह भी बयान आया है, तो आपको लगता है कि मध्यप्रदेश में इस तरह की स्थिति में? वो पहले 60 बोल रहे थे, फिर 75 बोल रहे थे, अब 90 बोल रहे हैं, अब 130 बोल रहे हैं, हम अभी 160 से ऊपर। कुछ लोग कह रहे हैं उनका नाम ही वोटिंग। तो यहाँ पर कैलाश विजयवर्गीय यहाँ पर बता रहे थे कि इस बार बीजेपी 160 सीटें लेकर आएगी और कांग्रेस की यहाँ पर साफ तौर पर बोलते आए कि वो बोलते रहे कभी 60 आएंगे, कभी 75 आएंगी, कभी 90 आएंगी। तो यहाँ पर लगातार बयानों का दौर लगातार जारी है और चुनाव आयोग की किसी शक्ति को उन्होंने टिप्पणी करने से मना कर दिया कैलाश विजयवर्गीय ने यहाँ पर। तो बड़ी खबरें लगातार चुनाव से जुड़ी हर एक खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, पल पल का अपडेट हम आपको दे रहे हैं, लगातार एक एक पल पल की खबर, क्योंकि मतदान जरूरी है और उसकी खबर भी बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए देखते रहिए SMS Insight, हम जल्द लौटेंगे।